हेलो एवरीवन, अभी हम बात कर रहे हैं हाइड्रेशन के अंदर, जिसके अंदर हाइड्रेटेड रेडियस क्या होता है, आयोनिक रेडियस और हाइड्रेटेड रेडियस, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो बात करेंगे हम हाइड्रेटेड रेडियस के लिए। अगर बात करें साइज से, तो आयन के अंदर जितनी साइज कम रहेगी उतनी हाइड्रेटेड रेडियस जो है वो ज्यादा रहेगी। तो वो कैसे रहती है, तो अगर हम करें यहां पे स्मॉल साइज आयन, अगर आयन की साइज कम होगी तो इफेक्टिव चार्ज जो है वो ज्यादा रहेगा। जितना इफेक्टिव चार्ज ज्यादा रहेगा उतना ही अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। जितना अट्रैक्शन आयन का बढ़ गया वो उतना ही H2O मॉलिक्यूल जो है उसे खींच लेगा, यानी कि मोर H2O अट्रैक्ट। और जितने ज्यादा H2O उसके साथ जुड़ गए तो मोर हाइड्रेटेड, हम कहेंगे मोर हाइड्रेटेड, यानी कि वो वाले आयन के लिए हाइड्रेटेड रेडियस जो होगी वो बढ़ जाएगी, यानी कि ज्यादा रहेगी। तो ये चीज हमें याद रखनी है, जितना आयन छोटा होगा इफेक्टिव चार्ज जो उतना ज्यादा रहेगा, जितना चार्ज बढ़ गया अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, अट्रैक्शन बढ़ गया तो जो H2O के मॉलिक्यूल उसके आसपास जुड़ रहे हैं उसे वो ज्यादा अपनी तरफ खींच लेगा, और जितना खींच लेगा हाइड्रेशन उतना ही ज्यादा, यानी कि हाइड्रेटेड आयन जो है वो हमें ज्यादा मिलेगा। तो वो साइज जो छोटी रहेगी वो बड़ी हो जाएगी, तो रेडियस भी उसका बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं हम आयोनिक रेडियस और हाइड्रेटेड रेडियस के बीच में डिफरेंस क्या है। तो आयोनिक रेडियस का अगर ऑर्डर हम देखें तो वो हमें मिलेगा, दैट इज लिथियम प्लस, उससे ज्यादा सोडियम के अंदर पोटेशियम प्लस, रुबिडियम प्लस और सबसे ज्यादा सीजियम प्लस। अब हाइड्रेटेड रेडियस के लिए अगर ये ऑर्डर देखें तो ये ऑर्डर उल्टा हो जाएगा। क्यों होता है, तो इफेक्टिव चार्ज के बेसिस, क्योंकि इफेक्टिव चार्ज जितना बढ़ जाता है अट्रैक्शन के कारण वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा जुड़ जाते हैं तो साइज को इंक्रीज कर देते हैं। तो अगर हम देखें यहां पे एग्जांपल लिथियम प्लस और यहां पे हम लेते हैं सोडियम प्लस, तो लिथियम प्लस की अगर बात करें हम तो इसकी साइज कम है, सोडियम जो है उसकी साइज बड़ी है। तो लिथियम जो है साइज कम है तो ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींच लेगा, तो ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल जो है वो उसके साथ जुड़ जाएंगे इस तरह से। जबकि Na प्लस की अगर हम बात करें, यानी कि सोडियम के अंदर अगर देखें तो उसकी साइज बड़ी है, तो सोडियम की साइज अगर बड़ी है लिथियम प्लस से तो उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल जुड़ेंगे लेकिन इफेक्टिव चार्ज उतना, लिथियम प्लस जितना नहीं होता तो वाटर मॉलिक्यूल उतने नहीं जुड़ते हैं, तो इस तरह से। तो इन दोनों की कंपैरिजन करें तो ये जो है वो मोर हाइड्रेटेड है, जबकि ये जो है वो लेस हाइड्रेटेड है। तो साइज की बात करें तो ये साइज मैटर कर रहा है, साइज कम है तो हाइड्रेशन ज्यादा, मोर हाइड्रेटेड, साइज बड़ी है तो उस कंडीशन में लेस हाइड्रेटेड। अब बात करते हैं अगर Na प्लस की जगह यहां पे Mg प्लस 2 आ गए,
तो अब देखें Na प्लस से Mg प्लस तो आ गया, तो अब इफेक्टिव चार्ज बढ़ जाएगा, और उस कंडीशन में अगर Na प्लस और Mg प्लस टू की बात कर रहे हैं तो इन दोनों में Mg प्लस टू के अंदर हाइड्रेशन ज्यादा होगा, तो कंपेरेटिवली Na प्लस और Mg प्लस टू में देखें तो Mg प्लस टू के लिए हाइड्रेटेड रेडियस बढ़ जाएगा। तो अगर हम हाइड्रेटेड रेडियस की बात करें इन दोनों में, तो इन दोनों के अंदर लिथियम प्लस ज्यादा रहेगा Na प्लस से, और हाइड्रेटेड रेडियस, जबकि सोडियम और मैग्नेशियम Na प्लस और Mg प्लस टू की बात करें तो इसके लिए ऑर्डर हमें मिलेगा दैट इज Mg प्लस टू ज्यादा रहेगा Na प्लस। तो ये याद रखना है। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि अगर साइज ऑफ आयन बढ़ रही है, साइज ऑफ आयन अगर ज्यादा है तो हम कह सकते हैं हाइड्रेटेड रेडियस बढ़ेगा, यानी कि हाइड्रेटेड रेडियस जो है वो बढ़ रहा है। लेकिन अगर यहां पे चार्ज की बात करें, चार्ज ऑफ आयन, तो यहां पे Na प्लस था, यहां पे Mg प्लस टू था, तो चार्ज अगर बढ़ रहा है तो उस कंडीशन में भी हाइड्रेटेड रेडियस जो है वो बढ़ रहा है। तो हाइड्रेटेड रेडियस इन दो कंडीशन में ज्यादा रहती है। तो अब अगर यही आयनिक रेडियस वाला ऑर्डर अगर हाइड्रेटेड रेडियस के लिए लिखना है तो लिथियम प्लस सबसे ज्यादा रहेगा और सीजियम प्लस सबसे कम हो जाएगा। तो ये डिफरेंस हमने देखा आयनिक रेडियस और हाइड्रेटेड रेडियस के बीच में क्या है। अब उसके साथ अगर यहां पर हमें पूछ लिया कंडक्टिविटी, अगर आयनिक कंडक्टिविटी या मोबिलिटी की बात करें हम, तो ये अगर इसके साथ कंपेयर करें हाइड्रेटेड या हाइड्रेट रेडियस की बात करें तो हाइड्रेटेड रेडियस के साथ देखें तो इन्वर्सली होता है, यानी कि यहां पे अगर हाइड्रेटेड रेडियस ज्यादा रहेगा तो उस कंडीशन में जो मोबिलिटी होगी वो वन अपॉन आयोनिक मोबिलिटी या कंडक्टिविटी। तो इस कंडीशन में अगर यहां पे देखें लिथियम प्लस और सोडियम प्लस के लिए, तो अगर इसके लिए मुझे कंडक्टिविटी देखनी है, कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी देखें तो हाइड्रेटेड रेडियस जितना बड़ा होगा मोबिलिटी या कंडक्टिविटी उतनी कम हो जाएगी। तो यहां पे हाइड्रेटेड रेडियस लिथियम प्लस का ज्यादा है तो कंडक्टिविटी कम होगी, तो इस कंडीशन में Na प्लस पहले आ जाएगा, तो ये ऑर्डर हो जाएगा Na प्लस लिथियम प्लस के लिए। और सेकंड इन दोनों के अंदर देखें तो इन दोनों के लिए भी सेम, Mg प्लस टू हाइड्रेटेड रेडियस में ज्यादा है तो Na प्लस जो है वो कंडक्टिविटी में बढ़ जाएगा, तो Na प्लस Mg प्लस टू, तो ये ऑर्डर हमें मिलेगा। तो ये हमने बात की है आयनिक रेडियस और हाइड्रेटेड रेडियस के बीच में क्या डिफरेंस होता है और हाइड्रेशन जो है वो कैसे इफेक्ट करता है।